सरकार की ओर से लॉकडाउन 4 का ऐलान किया जा चुका है। इसके साथ ही तमाम नियमों में बदलाव भी किया गया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट, जिसमें आपको बताएंगे कि लॉकडाउन 3 और लॉकडाउन 4 में क्या कुछ बदलाव किया गया है। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 4 के लिए रविवार को दिशा निर्देश जारी करते हुए अंतर्राज्यीय बस सेवाओं को सशर्त अनुमति दे दी है, लेकिन इस दौरान 31 मई तक देश में सभी मेट्रो रेल और घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद रहेंगी। वहीं होटल, रेस्टोरेंट, मॉल और स्कूल कॉलेज भी बंद रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए जारी दिशा निर्देशों के अनुसार देश भर में सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी। स्कूल, मॉल, रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। विमान और मेट्रो ट्रेनों का परिचालन भी 31 मई तक बंद रहेगा। केंद्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। वहीं सभी ई कॉमर्स वेबसाइटें अब गैर आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी कर सकेंगी, लेकिन उन्हें भी कंटेनमेंट जोन में सेवा देने की अनुमति नहीं है। लॉकडाउन 4 में कंटेनमेंट जोन में स्थित दुकानों और मॉल के अलावा आज से सभी दुकानों को अलग अलग समय पर खोलने की अनुमति है। इसका तात्पर्य है कि कंटेनमेंट जोन से बाहर स्थित नाई की दुकानें, सैलून और पार्लर भी खुलेंगे। निषिद्ध क्षेत्रों के अलावा राज्य के भीतर बस सेवाओं और अंतर्राज्यीय बस सेवाओं को अनुमति दी गई है, लेकिन केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि बस सेवाएं या निजी वाहनों को अंतर्राज्यीय आवाजाही राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की आपसी सहमति पर निर्भर होगी। गौरतलब है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने रविवार शाम एक आदेश जारी कर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून 2005 के प्रावधान के तहत कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश भर में लागू लॉकडाउन की अवधि को चौथे चरण के लिए 31 मई तक बढ़ा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 4 के लिए 9 बनने का दिशा निर्देश जारी कर स्पष्ट किया कि इस दौरान क्या किया जा सकता है और क्या नहीं। दिशा निर्देश के अनुसार घरेलू हवाई एम्बुलेंस के अलावा सभी अन्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद रहेंगी। गृह मंत्रालय का कहना है कि 31 मई तक देश भर में मेट्रो रेल सेवा, स्कूल, कॉलेज, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, जिम आदि बंद रहेंगे। इस अवधि में सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी। साथ ही सभी प्रार्थना और धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने अपने यहाँ कोरोना वायरस संक्रमण के हालात को देखते हुए रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन बनाने का अधिकार दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों के आधार पर जिला प्रशासन अपने यहाँ रेड और ऑरेंज जोन में निषिद्ध और बफर जोन चिन्हित करेगा। लॉकडाउन 4 के दिशा निर्देश के अनुसार आवश्यक सेवाओं से इतर अन्य सभी लोगों के लिए शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच देश भर में घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी होगी। इसमें सलाह दी गई है कि 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर में ही रहें, बाहर ना निकले। दिशा निर्देशों के अनुसार लॉकडाउन 4 में निषिद्ध क्षेत्रों में स्थित दुकानों और मॉल के अलावा आज से सभी दुकानों को अलग अलग समय पर खोलने की अनुमति है। स्थानीय प्रशासन सुनिश्चित करे कि निषिद्ध क्षेत्र के बाहर स्थित सभी दुकानें और बाजार अलग अलग समय पर खुलें। वहीं इसके साथ ही सभी निर्धारित व्यावसायिक यात्री उड़ानें 31 मई तक स्थगित कर दी गई हैं। लॉकडाउन के विस्तार की घोषणा के कुछ घंटे बाद ही भारतीय विमानन नियामक DGCA ने कहा कि सभी निर्धारित व्यावसायिक यात्री उड़ानों को 31 मई की मध्य रात्रि तक निलंबित कर दिया गया है। नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा, आने वाले समय में विदेशी और घरेलू एयरलाइनों को उड़ान शुरू करने के बारे में सूचित कर दिया जाएगा। भारत में सभी व्यावसायिक यात्री उड़ान 25 मार्च से निलंबित हैं। नियामक ने रविवार को कहा कि सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निर्धारित व्यावसायिक यात्री विमानों के संचालन को 31 मई की रात 11:59 तक स्थगित कर दिया गया है।
इसने कहा कि DGCA से मंजूर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक विमानों के संचालन पर रोक मान्य नहीं है। केवल विशेष ट्रेन, पार्सल, मालगाड़ियां ही चलाई जाएंगी, ये रेलवे की ओर से कहा गया है। भारतीय रेलवे ने रविवार को कहा कि लॉकडाउन के चौथे चरण के दौरान श्रमिक स्पेशल, अन्य विशेष रेलगाड़ियों, पार्सल सेवाएं और मालगाड़ियों को ही चलाया जाएगा। भारतीय रेलवे के प्रवक्ता RD वाजपेयी ने कहा, रेल परिचालन में कोई बदलाव नहीं किया गया है, ये लॉकडाउन के तीसरे चरण के अनुरूप ही रहेगा। श्रमिक स्पेशल और 15 जोड़ी अन्य विशेष रेल चलती रहेंगी, वहीं पार्सल सेवा और मालगाड़ी भी चालू रहेगी। गौरतलब है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक COVID-19 के कारण मरने वालों की संख्या 2872 हो गई है और कुल संक्रमित लोगों की संख्या रविवार सुबह तक 90,927 हो गई है। देश भर में कोरोना का कहर जारी है और कोरोना से निपटने का फिलहाल और कोई साधन नहीं है। इसके चलते सरकार ने चौथी बार भी लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। सरकार की ओर से भी लगातार आपसे ये कहा जा रहा है और HBN की टीम भी आपसे यही आग्रह करती है कि घर पर रहें, स्वस्थ रहें, स्टे होम, स्टे सेफ और जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले। नमस्कार।